Hope so. Yeah. 29th floor. Which floor is it? 29th. कोलंबो में इतना कुछ है टू एक्सपीरियंस कि अगर आप यहाँ एक हफ्ता भी स्पेंड कर लेंगे तो भी शायद कम लगे। बट फिलहाल मेरी इस मेडन ट्रिप टू श्रीलंका पे टाइम कम था, सो हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। कोलंबो की एक शाम में आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेयर योर इंटरेस्ट लाइज एट, बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने को इन कोलंबो सिटी। टू बिगिन विद, अर्ली इवनिंग आप मेन टाउन से बाय कार ट्रैवल कर सकते हैं टू अ प्लेस कॉल्ड अथुरुगिरिया, जहां सिचुएटेड है स्टिमा मेन ट्रेनिंग सेंटर। अप्रॉक्सिमेटली 40 मिनट की राइड आपको ग्लिम्स देता है ऑफ द मोर लोकल बाय लेन्स ऑफ कोलंबो सिटी। Stands for Sri Lankan Traditional Indigenous Martial Art Association. ऐसा माना जाता है कि ये मार्शल आर्ट फॉर्म 5000 साल पुराना है और इस मार्शल आर्ट फॉर्म की कई टेक्निक्स वहां के राजा रावण की देन है। इसी वजह से अंगम पोरम प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस की शुरुआत कर दी जाती है रावण के ऑनर में दिए जलाकर। अगर रिटन एविडेंस की बात करें तो अंगमपोर का मेंशन आज से 2500 पुराने आर्टिफैक्ट्स में किया गया है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लाइक आई सेड, अंगमपोरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट फॉर्म है जिसमें इंडिजिनस वेपन्स और स्वॉर्ड्स का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, कंट्री के राजा और महाराजाओं को कई बैटल्स और इन्वेजन्स का सामना करना पड़ता था। ऑल्दो उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ सोल्जर्स प्रेजेंट थे, मगर अंगमपोरा जैसे मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करके श्रीलंका की आम जनता भी तैयार रहती थी अपने लैंड को डिफेंड करने के लिए। ये मार्शल आर्ट फॉर्म एक थ्रेट था फॉर द ब्रिटिश रूल, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अंगमपोरा प्रैक्टिस पे कम्प्लीट बैन लगा दिया था और उसे इलीगल घोषित कर दिया गया था। मगर इस बैन ने सिविलियंस का जज्बा नहीं तोड़ा और उन्होंने इस मार्शल आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू किया अंडरग्राउंड एंड इन हाइडिंग। व्हेन ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड श्रीलंका, दे बैन प्रैक्टिसिंग दिस मार्शल आर्ट। सो ऑल द गुरुज एंड फैमिलीज हु प्रैक्टिस दिस, दे वेंट अंडर एंड दे प्रैक्टिस सीक्रेटली। सो दे कांट हैव दिस काइंड ऑफ स्कूल्स एट दैट टाइम। सो इफ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग दिस आर्ट टू सीक्रेटली माय सन। ये 205 साल का बैंड फाइनली 2019 में जाकर अपलिफ्ट किया गया है और अब इसकी प्रैक्टिस करना 100% लीगल बना दिया गया है। अंगमपोरा के मेजर टेक्निक्स है स्ट्राइकिंग, लॉकिंग एंड ग्रिपिंग, रेसलिंग और सबसे खतरनाक द नॉलेज ऑफ प्रेशर पॉइंट्स, जिसके यूज से इंसान को पैरालाइज या बेहोश भी किया जा सकता है। अब आर्ट फॉर्म अंग यानी बॉडी पर डिजाइन है तो इन्हें जिम इक्विपमेंट्स की क्या जरूरत। अपनी और अपने पार्टनर की बॉडी से ही इन्होंने पूरे जिम वर्कआउट्स बना रखे हैं, जो आप जनरली अपने लोकल जिम में सिर्फ मशीन्स की मदद से ही कर पाते होंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपका इंटरेस्ट कल्चर में है, देन यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस अंगमपोरा व्हेन इन कोलंबो। नेक्स्ट ऑन आवर एजेंडा था टू शॉप सम सुवेनिर्स टू टेक बैक होम। पैराडाइज रोड इज अ फ्लैगशिप स्टोर जहाँ डेकोर, होमवेयर, सुवेनिर्स और आर्ट इंस्टॉलेशंस प्रेजेंट हैं। वैसे तो ये हाई एंड स्टोर है, बट यहाँ आपको आर्टिस्टिक डेकोर और सुवेनिर्स मिल जाएंगे फॉर एवरी बजट। और क्योंकि इंडियंस के लिए श्रीलंका कंपैरेटिवली करंटली काफी सस्ता हो रखा है, यहाँ काफी चीजें INR में कन्वर्ट करें तो सस्ती मिल रही हैं।
मैंने तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए खूब शॉपिंग करी और उन्हें ये सब पसंद भी आया. सो इफ यू आर इन कोलंबो, डू विजिट दिस शॉप फॉर सुवेनिर्स एंड गिफ्ट्स. पैराडाइज रोड ब्रांड के अंडर ही आता है ये पैराडाइज रोड टिंटजिल कोलंबो, जो कि फेमस है फॉर इट्स लग्जूरियस हाई टी एंड अ वेरी रॉयल एंड हिस्टोरिक पास्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. टिंटजिल 1930 में कंप्लीट किया गया था बाय डॉक्टर लुसियन डिजिल्वा, जिन्होंने बाद में इसे सर सोलोमन दियास बंदर नायक को सोल्ड कर दिया था. ये वही जगह है जहाँ सिलोन की पोलिटिकल हिस्ट्री वॉज डिसाइडेड. ऊपर जो छत या वरांडा है वहीं पे 1959 में श्रीलंका के देन प्राइम मिनिस्टर सोलोमन वेस्ट रिजवे बंदर नायको को असैसिनेट कर दिया गया था. और इस तरह उनकी वाइफ मिसेस सिरिमावो बंदर नायको बन गई द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका एंड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड. उन्होंने टिंटजिल यानी इस जगह को अपना रेजिडेंस बना लिया था एंड शी स्टेड हियर टिल हर डिमाइस इन द ईयर 2000. ये तो हुई टिंटजिल की नेशनल हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस. बट क्या आपको पता है कि 2013 में यहाँ पर रॉयल हिस्टोरिक मोमेंट भी रजिस्टर किया गया था. उस साल कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग रखी गई थी इन कोलंबो सिटी. हिज रॉयल हाइनेस किंग चार्ल्स III और क्वीन कॉन्सोर्ट कमिला कॉर्नवॉल इसी सुइट में रुके थे फॉर देयर स्टे जब वो मीटिंग अटेंड करने यहाँ आए थे. ये वो जगह है जहाँ ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III रहे थे. है ना कितना फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस. ये जगह अपने में ही एक आर्ट गैलरी जैसी लगती है, टेकिंग यू बैक इन हिस्ट्री. टिंटजिल इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स हाई टी एंड लोग स्पेशली यहाँ सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं. ये हाई टी एक्सपीरियंस रोज सर्व किया जाता है बिटवीन 3 to 6 PM. टिपिकल इंग्लिश स्टाइल हाई टी विद चॉइस ऑफ टी, कॉफी, कोल्ड सैंडविचेस, पेस्ट्रीज एंड मच मच मोर. खाकर मजा ही आ गया एंड द हॉस्पिटैलिटी वॉज ऑन पॉइंट एंड वेरी रॉयल इन नेचर एंड डीड. As the sun sets, कोलंबो में अब एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसको देखने के लिए लोग 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर हर रोज वेट करते हैं फॉर देयर टर्न टू एंटर. Why are you slowing down? Oh, is it traffic? Break lines, red lights, hold hands, grip tight, play fights, your lips still taste like Nick D sweet tea. Who wants to drive through shit without you? वो है द रिसेंटली ओपन्ड लोटस स्टार ऑफ कोलंबो सिटी. लोटस स्टार, जिसे कोलंबो लोटस स्टार भी कहा जाता है, पूरे एशिया की 11th टॉलेस्ट स्टार मानी जाती है और पूरे वर्ल्ड में 19th टॉलेस्ट स्टार मानी जाती है. क्योंकि ये इन द हार्ट ऑफ कोलंबो में कंस्ट्रक्ट करी गई है, यहाँ से आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं पूरे शहर का. तो जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, उससे कहीं ज़्यादा ऊंची एक यहाँ पर कोलंबो में एक स्टार बनी है जिसका नाम है लोटस स्टार. और ये काफ़ी टाइम से बनी हुई है बट खुली नहीं थी एंड अभी जस्ट 10 दिन पहले ये ओपन हुई है फॉर द जनरल पब्लिक. और मैं आपको दिखाती हूँ, आज संडे है तो ऑब्वियसली भीड़ तो होती है, बट कितनी भीड़ है आपको मैं अंदाज़ा दे देती हूँ काइंड ऑफ.
still taste like Mick D sweet tea. I'm trying to drive through without you, without dollar menu. I'm filling up the 10-pack in venues. You'll be the one I bang through. No cheap cards or perfume. I heard you. I know your stomach hurts too. Let's get you fixed up with all the fixings. It's all around the corner. I know the distance, but what makes? Thanks to the Tourism Board of Sri Lanka, हमें opportunity मिली कि हम direct Lotus Star में entry ले सकें. वरना हमें at least 2 घंटे line में खड़ा होना पड़ता. और ये हम जा रहे हैं 29th फ्लोर पे, जो है इनकी व्यूइंग डेक. टार्क के कुछ फ्लोर्स में ईटरीज ओपन होने वाली हैं, बट जब मैं गई थी तो वहाँ कुछ खास नहीं था. हाँ, मगर नीचे पूरा मेला लगा हुआ था. बाप रे, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी लंबी लंबी लाइन है. अभी इसे खुले में सिर्फ 10 दिन हुए, तो क्रेज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है. बट आई एम श्योर दिस क्रेज इज नॉट गोना डाई डाउन एनी टाइम सून और एवर, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत. आइडियल टाइम मैं कहूँगी यहाँ पर सुबह आने का है, बिकॉज तब आपको जो पूरी कोलंबो की जो सिटी है वो बहुत ही खूबसूरती से दिखेगी. रात को भी मज़ा आता है, बट आई वांटेड टू सी थोड़ा और अच्छे से दूर दूर तक, यू नो, बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर्स, एवरीथिंग. तो मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ तो मैं ये करूँगी कि आप सुबह आइए और सुबह का नज़ारे देखिए. अगर आपके पास टाइम हो तो आप शाम को भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट या यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ श्रीलंका टूरिज्म हमें एंट्री स्टाफ की लिफ्ट से मिल गई, तो हमें लाइन में वेट नहीं करना पड़ा. बट अगर आप यहाँ पर आते हैं, स्पेशली ऑन संडेज, डू एक्सपेक्ट यहाँ पर थोड़ी सी भीड़. बट ये भी मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आना वर्थ इट है. Nevertheless, हम उसके बाद वापस आ गए टू आर होटल ताज कोलंबो, जहां ऑथेंटिक श्रीलंकन बुफे डिनर हमारा वेट कर रहा था. मैं ताज कोलंबो के स्टे का डिटेल व्लॉग ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूं, सो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, हियर इज द लिंक ऑन टॉप ऑफ द वीडियो. जाके वो जरूर चेकआउट करिएगा. इफ यू वांट टू ट्राई ऑथेंटिक श्रीलंकन क्विजीन, देन आई विल हाईली रेकमेंड कि आप यहाँ डाइन करें. इनका बुफे 7:30 बजे ऑनवर्ड शुरू होता है, एंड प्राइस पर पर्सन इज अप्रॉक्सीमेटली 1500 श्रीलंकन रुपीस, जो इंडिया के हिसाब से सिर्फ 400 रुपए बनता है. अब आप ही सोचिए, इतना सस्ता बुफे एट अ ताज प्रॉपर्टी इज सच अ स्टील. तो ये तो आप बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते हैं. अरे रुकिए रुकिए, अभी तो कोलंबो का एक नाइट लाइफ हाईलाइट चेकआउट करना रह गया था, और वो था कैसीनो लाइफ ऑफ कोलंबो. श्रीलंका इज़ वेरी फेमस फॉर कैसीनोज, और यहाँ लोग दुनिया भर से कैसीनो खेलने के लिए आते हैं. आपके होटल से पिक एंड ड्रॉप सर्विस इन लग्जरी कार्स इज अ पार्ट ऑफ देयर कैसीनो एक्सपीरियंस. हम गए थे बिगेस्ट कैसीनो ऑफ श्रीलंका, बैलीज कैसीनो में. सिंस हम एज गेस्ट गए थे, हमारे लिए एक प्राइवेट टेबल अरेंज करी गई थी, जहाँ हमें रूले खेलना सिखाया था.
ये सीखने में बहुत मजा आया, बट यस, गैम्बलिंग कैन बी एन एडिक्शन, तो उस बात को ध्यान रखिए। कैसीनो लाइफ जरूर ट्राई करिए यहाँ टू एक्सपीरियंस इट, बट कॉशियसली। फूड बाइट्स, अ वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स और साथ में लाइव म्यूजिक एंड डांस मेड दिस हाईलाइट ऑफ आवर नाइट लाइफ एक्सपीरियंस इन कोलंबो सिटी। ये कैसीनो 24 घंटे ओपन रहता है, तो आप कभी भी जाकर इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोलंबो इज अ लाइवली सिटी जहां बहुत कुछ है दिन और रात के हर घंटे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, इट इज 100% सेफ और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली एंड वेलकमिंग हैं। तो जब भी आप श्रीलंका जाएंगे, यू विल डेफिनेटली बी कमिंग बैक विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड अ लॉट ऑफ हैप्पी मेमोरीज टू चेरिश फॉरएवर। श्रीलंका का मेरा ये सफर जारी रहेगा और अगला व्लॉग रामायण स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं विजिट करने वाली हूँ उस पहाड़ को जिसे हनुमान जी हिमालय से लेकर श्रीलंका पहुँचे थे, क्योंकि उस पहाड़ पर मौजूद थी संजीवनी बूटी। क्या ये बस एक मिथ है कि सच में ये पहाड़ कुछ अलग है जिसे साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते? वेट करिए मेरे अगले व्लॉग का, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी जगह को लेके या फिर श्रीलंका को लेके, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि श्रीलंका के बहुत रोमांचक एक्सपीरियंसेस अभी आगे आने वाले हैं। And don't forget to hit that bell icon button ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। Keep smiling, keep traveling. This is me, Apurva from Strilogy, signing out.